घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। सरकार का कोई बजट हमारे लिए नहीं है, लोग जो सो रहे थे उनको जगा दिया। ये वाहिद 30 करोड़ ऐसी कौम है जो सरकार को कुछ देती है लेती कुछ नहीं। हिंदू कह रहा है भूख लगी है, तो कह रहे हैं कि गर्व से को हम हिंदू हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो कौन सी इनके पास गंगा जाके जहाँ नहा के लोग पाक हो जाते हैं। सीर को लेकर के मुल्क भर में आग लगी हुई है, उस आग को कैसे ही ठंडा किया जाए, सरकार इसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाह रही। आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना था, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि सर जो फैसला आज सुनवाई हुई, 4 हफ्तों का समय सरकार को दे दिया गया, पहले 1 महीने का दिया गया और अब 5 हफ्तों का, तो कहीं ना कहीं सरकार को राहत देने वाली बात नहीं है। देखिए दो बातें हैं, पहले इसमें सरकार हिंदुस्तान की आवाम को ये बताना चाह रही है कि हमने उन शोषित प्रताड़ित परेशान हाल लोगों को जो दूसरे मुल्कों में नॉन मुस्लिम है उनको हमने राहत देने के लिए ये काम किया है और मुसलमान उसकी मुखालफत कर रहा है। तो पहले तो ये साफ हो जाए कि मुसलमान इस मुल्क में या पूरी दुनिया में इस्लाम का मानने वाला अपना दरवाज़ा 24 घंटा खोल के रखता है कि कोई उनका पड़ोसी भूखा न सो जाए, लिहाजा सरकार अपनी इस बेईमानी को साफ कर दे। दूसरी इस पर हम बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी एक साथ बैठ जाएं और ये तय कर लें कि हमको कितना सच बोलना है कितना झूठ बोलना है। अवाम ये परेशान है कि रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि NRC की कोई आज तक बात ही नहीं हुई और माननीय गृह मंत्री पार्लियामेंट में ये बात कहते हैं, तो कुछ तो पर्दादारी है, कौन झूठ बोल रहा है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मुल्क में हर जगह से बहैसियत मुसलमानों का यकीन उठ चुका है, मीडिया से भी उठ चुका है, इंतजामिया से उठ चुका है, सरकार से उठ चुका है, ले दे के चौथा इस्म एक कोर्ट बचा है वो भी सुप्रीम कोर्ट। निचली कोर्टों में भी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के यहाँ कुछ सड़ रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज अपनी गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। तो इंटरिम कोई हमें राहत देनी चाहिए थी जिसके जरिए आवाम में फैली हुई ये परेशानी दूर हो। ये 4 हफ्ता जो दिया गया है कहीं ना कहीं सरकार को वक्त मिला है और सरकार जो कुछ चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नफरत पैदा कर सके उसमें वो कामयाब हो जाएगी। मलन साहब, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और बद से बदतर हालात CA के खिलाफ उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश के CM बदला लेने की बात कहते हैं और प्रॉपर्टी सीज हो रही है तो सिर्फ मुसलमानों को नोटिस दिया जा रहा है, 6 साल पहले जो इंतकाल कर चुके बन्ने खान उनको भी नोटिस दे दिया और हिंसा का मुख्य आरोपी बना दिया। अगर प्रोटेस्ट के लिए महिलाएं सड़कों पर उत्तर प्रदेश में निकली हुई हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कंबल और खाने पीने का सामान उठा करके ले जा रही है, किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश में इस भूमिका को? सिर्फ इतना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके अलावा कोई जवाब नहीं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने, मुख्यमंत्री ने यह भी जारी कर दिया कि 40,000 लोगों को चिन्हित भी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, गृह मंत्रालय ने कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया और योगी ने 40,000 लोगों को भी ढूंढ लिया। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। ये पूरी बात जो आप कह रहे हो वो किसी हिंदू को कुछ नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा हम मुसलमानों की दिया क्या है, इस 73 साल में पिछली सरकारों ने जो सिकुलरिज्म के नाम पे थी उन्होंने मुसलमानों को दे क्या दिया है कि ये लूट लेंगे। चोरी का डर उनके होता है जिनके घर में माल होता है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं,
हम तो जो कुछ है वो अल्लाह के फजल व करम के बाद अपने बलबूते पे है। सरकार का कोई बजट हमारे लिए नहीं है। एक हज सब्सिडी थी, हमने दरखास्त दी थी कि उसको खत्म किया जाए, इसलिए कि हमारा हज होता ही नहीं सरकार की सब्सिडी पे, और वो हमारे नाम पे एयर इंडिया को पाला जा रहा था, तो हमने कहा ये भी काम खत्म हो जाए। अगर सरकार बता दे कि मुसलमानों पे कोई एक रुपया बजट का खर्च किया जाता हो, ये वाहिद 30 करोड़ ऐसी कौम है जो सरकार को कुछ देती है लेती कुछ नहीं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को ये देंगे, हिंदू कह रहा भूख लगी है तो कह रहे हैं कि गर्व से को हम हिंदू हैं, वो कह रहे सब नौकरी जा रही है, वो कह रहे गर्व से को हम हिंदू, वो कह रहे सब बैंक के लुटेरे लेके भाग रहे हैं, क्या गर्व से को हम हिंदू हैं। ये जो हिंदू हिंदुत्व है ये आवाम को कुछ दिन, आज जो आप देख रहे हैं अनार्की फैली हुई है या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें गलत तस्वीर जा रहा है कि मुसलमान कर रहा है। आप यहाँ आप देखिए जाके असम में, त्रिपुरा में, तमाम जगहों पर वहाँ मुसलमान कोई नहीं कर रहा है। और हम तो शुक्रगुजार हैं सरकार के कि उन्होंने हम लोग जो सो रहे थे उनको जगा दिया, हम उनको शुक्रगुजार हैं। एक आखिरी सवाल मेरे साहब आपसे यही रहेगा, मुल्क भर में एहतजाज जारी है, 40 दिन में ज्यादा शाहीन बाग में प्रोटेस्ट जारी है, अब घर की महिलाएं बाहर निकल करके इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, जो महिलाओं ने ये बेड़ा उठाया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सरकार का काम होता है अपनी आवाम की चिंता करना, फिक्र करना। इस सरकार को आवाम की चिंता नहीं है, वोट बैंक कैसे बनेगा। ये हमेशा कहते थे कि वोटों का ध्रुवीकरण दूसरी पार्टियां करती हैं, असल में अगर वोटों की गिनती कोई करता है कि हमारा वोट कैसे बनेगा, सरकार कैसे बनेगी, तो सिर्फ इसमें माहिर बीजेपी है। अभी आप देखें महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो अजीत साहब जो 70,000 करोड़ रुपये के, जिनको पूरे इलेक्शन में उनके भावी चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये कहा कि चक्की पीसिन चक्की पीसिन चक्की पीसिन, रात के 12 बजे आर्डर हो जाता है और गवर्नर हाउस खुल जाता है और ओथ ले ली जाती है। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो कौन सी इनके पास गंगा जाके जहाँ नहा के लोग पाक हो जाते हैं, तो गए और जाके रात में पाक हो गए। तो जो इनकी चाणक्य नीति थी, शरद पवार अब्बा निकले, उन्होंने उनको वहाँ भेज के पाक करवा लिया और दूसरे दिन सरकार बना ली अपनी। तो मैंने कहा ना कि यहाँ सब एक से एक हैं, कोई भी जितने इस वक्त नेता हैं वो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीचे से यानी पैर से लेकर सर तक। सरकार बनाने के लिए आज भाष होती है टीवी पे, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस को कि तुम चोर, वो कहते हैं तुम चोर, दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम चोर हैं, लेकिन तुम्हारा 175 करोड़ का 2G वाला था, मेरा तो 10,000 करोड़ का है, यानी कम ज्यादा की बात है, दोनों भ्रष्टाचारी है, यह तय हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि आवाम को संज्ञान लेना चाहिए और इन तमाम भ्रष्टाचारियों को हटा करके ईमानदार लोगों को लाना चाहिए। और इसमें आवाम की भी हुआ कि जब पैसे रुपये और थोड़ी सी लालच के लिए जब वोट दिया जाएगा तो इसी तरह की सरकारें बनती रहेंगी और इसी तरह के आवाम का ख्याल नहीं किया जाएगा। उनको तो इस वक्त वो खुश हो रहे हैं कि शायद शाहीन बाग और इस पूरे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज के लोग या दूसरे लोग निकले हैं बाहर, उनकी वजह से हो सकता है वो दिल्ली के इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये एक महीने का जो टाइम मिला इसमें ये भी एक फ़ायदा उठाने की कोशिश, लेकिन हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ का पाप का घड़ा भरता है। और अब जितना काम कर रहे हैं सब विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं फिर दुआ कर सकता हूँ ऊपर वाले से कि ऊपर वाला इन लोग सदबुद्धि दे। और ये जब सरकार बन जाती है, आप प्राइम मिनिस्टर किसी एक के नहीं हैं, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, 5 साल में सबका विनाश कर दिया,
बाद में जुमला बढ़ाया सबका विश्वास, अगर सबका विश्वास यही है तो फिर तो सलाम कर सकते हैं और इंतज़ार करेंगे वक्त का। वक्त की हर से गुलाम, बहुत थोड़े दिन, इस वक्त उनको मौका था अपनी छवि को दुरुस्त करने का, सबके लिए काम करने का, और लोगों को उम्मीद भी थी कि एक डायनामिक प्राइम मिनिस्टर आया है, फैसला लेने की कुव्वत है, ताकत है, बड़ी उम्मीदें से वापस थी। लेकिन मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सरकार की मंशा पर साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।